वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो में रेड बटन है, उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन है उस पर ज़रूर क्लिक करिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी वीडियो देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट पर जाना है। तो देखिए, इस तरह से प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करिए तो यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर आपको अलग से फोल्डर मिलेगा, 2022 की नई वीडियो है। इस फोल्डर में आपको सभी मेरे प्लाजो और पैंट की वीडियो मिल जाएंगी, तो अलग आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसी फोल्डर में आपको जितनी मेरी पैंट प्लाजो की वीडियो सब आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ से आप देखकर कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं इनकी। प्लेलिस्ट में अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं, आप यहाँ से जा देखकर जो भी आपको देखना है वो देख सकते हैं। और यहाँ लिंक दिए हुए हैं इंस्टाग्राम, पिंट्रेस्ट और फेसबुक का, यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्ट्रेट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। और ये हम अस्तर वाली पैंट बनाएंगे, इसमें हम आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक लगाएंगे। इससे पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियो अपलोड की हुई है, तो अगर आपको बिना अस्तर की पैंट या प्लाजो सीखना है तो उसकी काफ़ी सारी वीडियो मेरे चैनल पर है। ये शुरू करते हैं। तो देखिए, 2.5 मीटर कपड़ा लिया है मैंने पैंट बनाने के लिए, और 2.5 मीटर ही मैंने लाइनिंग के लिए कपड़ा लिया है। तो जितना कपड़ा हमारा पैंट में लगता है उतनी ही हमारी लाइनिंग लगती है बराबर। तो देखिए, पहले हम लाइनिंग के ऊपर कट करेंगे, उसके बाद हम जो मेन कपड़ा है उसके ऊपर कट करेंगे। तो देखिए, लाइनिंग कपड़े को मैंने डबल कर लिया है। अब सबसे पहले ऊपर से एक लाइन खींचे, कपड़े को हम कर लेंगे बराबर। और देखिए, अब एक निशान हम इस तरह से देखिए आधा इंच गैप करते हुए किनारे पे लगाएंगे। देखिए इस तरह से ये पूरे में हम ये निशान लगा लेंगे आधा इंच गैप रखते हुए, ये देखिए। और इसके बाद निशान लगाएंगे लेंथ का। तो ऊपर हम 1 इंच की बेल्ट लगाएंगे, तो इंच टेप को 1 इंच ऊपर निकाल कर हम अपनी लेंथ का निशान लगा लेंगे। तो इसकी लेंथ मुझे रखनी है 37 इंच, तो 37 पर मैंने निशान लगा लिया है। और इसके बाद हम नीचे फोल्डिंग के निशान लगाएंगे, तो मैं 2.5 इंच लूँगी, या आप 3 इंच तक ले सकते हैं। ये देखिए, तो देखिए अब हम निशान लगाएंगे अपनी वेस्ट का। तो जो हम वेस्ट का निशान लगाएंगे वो हम हिप के हिसाब से लगाएंगे, और जो हम आसन का निशान लगाएंगे वो अपनी हम वेस्ट के हिसाब से लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको नाप सही से लेना आना चाहिए। जो हम वेस्ट का नाप लेंगे वो हमें जहाँ पर हम पैंट सलवार पहनते हैं वहाँ से आपको वेस्ट का नाप लेना है। जो हम सूट में वेस्ट रखते हैं वो नाप बिल्कुल नहीं लेना है आपका, वरना आपकी पैंट बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का वो ख़ास ख्याल रखना है, जहाँ पर आप पैंट सलवार पहनते हैं वहाँ से आपको अपनी वेस्ट का नाप लेना है, और उसी के हिसाब से फिर हमारी मार्किंग होगी आसन की। हिप का नाप जो आप सूट में रखते हैं वो ले सकते हैं, मगर वेस्ट का नाप आपको लेना होगा। तो वेस्ट और आसन किस तरह से निकालते हैं उसके लिए बहुत ही ईजी से फॉर्मूले हैं। उन फॉर्मूल को यूज़ करके आप किसी भी साइज़ के आराम से आप वेस्ट और आसन निकाल सकते हैं। तो मेरे साइज़ में हिप साइज़ है 40 इंच। अब उसको आपको डिवाइड करना है 4 से, तो 10 आएगा, उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है, तो मेरा हो जाएगा 11.5 इंच। मैं 11.5 पे निशान लगा लूँगी, ये देखिए इस तरह से। आपको जो भी हिप साइज़ है उसको डिवाइड करिए 4 से, प्लस उसमें 1.5 इंच करना है। और ये आपको हर साइज़ में 1.5 इंच ही प्लस करना है, ऐसा नहीं है कि आपके हिप साइज़ ज़्यादा है तो आप ज़्यादा प्लस करेंगे, नहीं, आपको जितना कोई भी साइज़ है आपको 1.5 इंच ही प्लस करना है इसमें। अब निशान लगाएंगे हम आसन का। तो मेरे साइज़ में जो वेस्ट है वो 36 इंच है, उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो मेरे पास 9 इंच आएगा, और उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है, तो हो जाएगा 10.5 इंच। तो 10.5 पे मैं आसन के लिए निशान लगा लूँगी। तो हिप और आसन दोनों में ही हमें 1.5 इंच प्लस करना है। सिर्फ आपको ऊपर हम हिप का नाप लेंगे और आसन के लिए हम वेस्ट का नाप लेना है, सिर्फ ये फ़र्क है। तो 10.5 पे हम आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो 1 इंच के ऊपर हमारी बेल्ट आएगी, तो इंच टेप को हम 1 इंच ऊपर निकाल देंगे, और इसके बाद निशान लगाएंगे 10.5 इंच पर, इस तरह से देखिए 1 इंच मैंने इंच टेप को ऊपर निकाल दिया है। यहाँ से भी 10.5 पर निशान लगाएंगे, इंच 1 इंच ऊपर निकाल के इंच टेप को हम, और इसे बना लेंगे बॉक्स, देखिए इस तरह से, देखिए। अब इसके बाद देखिए निशान लगाएंगे हम आगे 2.5 इंच पर, यह आसन की गोलाई के लिए। ये आपको 2.5 इंच लेना है। अगर आपका साइज़ हिप साइज़ 44 से ज़्यादा है तो आप 3 इंच तक ले सकते हैं यहाँ पे। अगर 44 से नीचे साइज़ है तो आप ये 2.5 इंच ले। और ये मैंने 1.5 इंच पर लेकर ये गोलाई लगा ली है मैंने आसन की, ये देखिए। अब इसके बाद देखिए हम इंच टेप लेंगे और इसे पूरा हम नापेंगे,
जो हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसे पूरा लेकर हम नापेंगे कितना आ रहा है हमारा ये। तो देखिए पूरा नापने के बाद मेरा आ रहा है 14 इंच, तो 14 का हमें आधा करना है, तो फिर इसका हम निशान लगा लेंगे 7 इंच पर। ये देखिए ये पूरे पे हम देखिए इस तरह से 7-7 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से आपको ये सेंटर करना है, ये देखिए। अब इंसानों को हम सीधा कर लेंगे स्केल से। और इसके बाद चलाएंगे बॉटम का, तो बॉटम मुझे रखना है 7 इंच। अब 7 का हम देखिए लाइन के दोनों तरफ आधा रखेंगे, तो 7 का आधा होगा 3.5 इंच, तो दोनों तरफ हम 3.5-3 इंच पर निशान लगा लेंगे। आपको जितना बॉटम रखना है उसका आपको आधा आधा रखना है। और इसके बाद देखिए शेप पट्टी लेंगे और इस तरह से शेप देंगे, और दूसरी तरफ भी हम शेप पट्टी को घुमाएंगे और इस तरह से शेप देंगे। इस तरह शेप देंगे तो फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। ये देखिए ये दोनों साइड से देखिए हमने शेप दे दिए। और अब देखिए जो गोलाई वाला हिस्सा है हमारे शेप पट्टी का, ऊपर से देखिए, ये देखिए यहाँ से हम हल्की शेप ऊपर देंगे, इसीलिए हमने ये आधा इंच का गैप रखा था ताकि हमारी ये शेप अच्छे से आ सके। और इसके बाद निशान लगाएंगे डार्ट का, तो 4.5 पे हम डार्ट का निशान लगाएंगे और साइडों से करीब 1-1 इंच हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरह से तिरछा निशान लगा देंगे। और अब निशान लगाएंगे पॉकेट का, तो ऊपर से हम निशान लगाएंगे 1 इंच पर और उसके बाद निशान लगाएंगे हम 6 इंच पर, ये हमारे पॉकेट का निशान होगा। देखिए अब इसे हम कट कर लेंगे, तो फ्रंट पार्ट में हमारा कोई मार्जिन नहीं होगा, जो हमने निशान लगाया उसी निशान पे हमें कट करना है। तो देखिए हमने कट कर लिया है। अब जो हमारे डार्ट का निशान था वहाँ भी हमने कट लगा लिया है, और जो हमारे पॉकेट के निशान थे वहाँ पर भी हमने कट लगा लिया है। अब हम कट करेंगे बैक पार्ट, तो जो बचा हुआ कपड़ा था उसे हमने बिछा लिया है और सबसे ऊपर हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया। देखिए अभी निशान को कर लेंगे हम सीधा। ये बैक पार्ट हमारा 2.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा ऊपर से और साइड से। और इसके बाद देखिए जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे हम इस तरह से सेट करेंगे, जो हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया था। देखिए इस तरह से हमको ये अच्छे से सेट करना है इस पर। और इसके बाद देखिए यहाँ से निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। और देखिए जो हमारा ये पॉइंट है आसन वाला लिया था हमने, देखिए यहाँ से भी हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे आगे की तरफ। ये देखिए अब देखिए स्केल से हम इसे इस तरह से सीधा कर देंगे। ये देखिए अब यहाँ से लेंगे 1.5 इंच और गोलाई देंगे आसन की। और देखिए यहाँ से भी हम 2.5-2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। बैक पार्ट हमारा सारा सब जगह से ये 2.5-2.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। ऊपर से भी हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, साइडों से भी और आसन की तरफ से भी सब तरफ से हमने 2.5-2.5 इंच ये एक्स्ट्रा लिया है। अब शेप पट से देखिए इस तरह से हम शेप दे देंगे। ये देखिए हमने शेप दे दिया। और देखिए जो हमने ऊपर से एक्स्ट्रा लिया था उसे हम देखिए स्केल से इस तरह से तिरछा मिलाएंगे। तो देखिए ये हमारा आसन तरफ से एक्स्ट्रा रहेगा। इससे ये फ़ायदा होता है जब हम बैठते हैं तो पैंट नीचे तरफ खींचती नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल होती है, इसलिए हम बैक पार्ट को ऊपर से उठा कर लेते हैं 2.5 इंच। और देखिए इसे हम कट कर लेंगे। दूसरी तरफ से बिल्कुल हमारा बराबर रहेगा, वहाँ से हमने कोई एक्स्ट्रा नहीं लिया है। तो देखिए हमारे कट हो चुके हैं बैक और फ्रंट दोनों। अब देखिए जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हमने जो लाइनिंग कट की थी उसे रख कर हम सभी पार्ट कट कर लेंगे। बिल्कुल उसी के साइज़ के हमें कट करने हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं लेना है, बिल्कुल उसी के साइज़ के हमें सभी पार्ट कट करने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सभी पार्ट कट कर लिए। ये हमारे बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। और अब इसकी हम पॉकेट कट कर लेते हैं। तो देखिए पॉकेट के लिए कपड़ा मैंने डबल कर लिया है। अब इसकी लेंथ लेंगे हम 13 इंच और यहाँ से लेंगे 6.5 इंच।
ऊपर से लेंगे 6 इंच और इस तरह से देखिए से तिरछा मिला लेंगे। अब यहाँ से लेंगे हम 1.5 इंच और गोलाई देंगे और इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी पॉकेट भी कट हो चुकी है। अब मैं आपको इसको सिलना बताती हूँ। चलिए चलते हैं मशीन की तरफ। सबसे पहले हमको लाइनिंग अटैच करनी है अपने मेन फैब्रिक में। तो पहले आप जो ऑल पिन होती है उसको अच्छे से पूरे में सेट कर ले, या फिर आप सुई से भी कच्चा कर सकते हैं। तो मैंने पिन लगाकर पहले अच्छे से सेट कर लिया लाइनिंग को और फिर चारों तरफ मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। तो पूरे किनारे पर मैंने सभी पीस में सिलाई लगा ली है, ये देखिए, और चारों पीस में मैंने लाइनिंग अटैच कर ली है। तो जो अस्तर वाली पैंट होती है और सिंपल पैंट में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ आपको पहले लाइनिंग को अच्छे से इस पर अटैच करना है। बाकी जैसे हम सिंपल पैंट सिलते हैं सेम उसी तरह से बनेगी पैंट ये। तो लाइनिंग अटैच करने के बाद हमको सिलने हैं इसके आसन। तो ये फ्रंट के आसन है, तो फ्रंट के आसन अलग सिलेंगे और जो हमारा बैक पार्ट है उसके आसन हम अलग सिलेंगे। और यहाँ डबल सिलाई लगानी है, ये देखिए आसन सिल लिए हमने। ये फ्रंट के आसन है, दिखाती हूँ खोलकर, ये देखिए इस तरह से। और ये हमारे बैक के आसन है, इन पर भी सिलाई लगा लेंगे हम आसन पर। तो देखिए फ्रेंड दोनों के आसन हमने सिल लिए है, ये देखिए ये बैक के आसन है, फ्रंट के। और अब इसमें हम लगाएंगे पॉकेट, देखिए हमारी पॉकेट है। तो देखिए जो हमने कट लगाए थे पॉकेट के लिए उल्टी तरफ से देखिए निशान भी लगा लेंगे और इस तरह से देखिए आधा इंच का गैप करते हुए हम इस तरह से निशान लगा लेंगे, देखिए। और अब इसे करेंगे सीधा और जो हमारी पॉकेट है उसे रखेंगे, तो बिल्कुल ऊपर से मिलाते हुए रखना है इस तरह से, देखिए इस तरह से मिलाते हुए रखना है। आप चाहे तो पिन लगा ले, देखिए इस तरह से। और सिलाई देखिए इस तरह से उल्टी तरफ लगाएंगे हम। तो जो भी हमने निशान लगाया बिल्कुल उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है, बिल्कुल उसी शेप के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। और अब देखिए इस तरह से हम कट लगाएंगे दोनों तरफ। और अब इस पॉकेट को देखिए हम उल्टी तरफ पलट देंगे और अच्छे से कोने निकाल लेंगे हम, ये देखिए। तो कुछ इस तरह शेप आ जाएगी हमारी। अब इसके ऊपर हम लगा लेंगे सिलाई, तो सिलाई थोड़ा गैप करते हुए लगाएंगे हम, देखिए सिलाई भी लगा ली है हमने। और पॉकेट को देखिए इस तरह से करेंगे और फिर इसे पलटेंगे और इस तरह से फोल्ड करना है आपको, ये देखिए। अब पूरा नहीं सिलेंगे इसे नीचे से, करीब 2.5 इंच हम छोड़ देंगे, ये देखिए यहाँ से करीब हम 2.5 इंच पे निशान लगा के छोड़ देंगे खुला। और उसके बाद नीचे से हमें ये सिलाई करनी है, जो मैं निशान लगाया है वहाँ तक हमें सिलना है। और अब इसे हम करेंगे सीधा, ये देखिए इस पॉकेट को हमने सीधा कर लिया है। और पॉकेट देखिए हमारी कुछ इस तरह से आ जाएगी, दिखाते हैं, ये देखिए राइट साइड से इस तरह से आएगी पॉकेट हमारी, ये देखिए। और इसमें देखिए उल्टी तरफ से यहाँ हम एक पिन लगा लेंगे और यहाँ पर भी एक पिन लगा लेंगे हम। ये जब बाद में हम साइड से लेंगे तो उसमें आ जाएगी हमारी और ऊपर से हमारी बेल्ट में आ जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स पॉकेट। और अब इसमें हम डालेंगे डार्ट, तो डार्ट के लिए हमने कट लगाए हुए थे, निशान लगा लेंगे 4.5 इंच पर इस तरह से, देखिए दोनों तरफ। और अब इसमें हम डार्ट डालेंगे, देखिए इस तरह से दोनों डार्ट डाल लेंगे हम। तो डार्ट हमने डाल लिए, अब इसकी हम बेल्ट लगाएंगे। तो पूरा इसे नाप लेते हैं पहले कितना आ रहा है हमारा डार्ट डालने के बाद। तो देखिए ये हमारा 19 इंच आ रहा है, देखिए। अब इसकी हम बेल्ट कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने पेस्टिंग ली हुई है और इसे मैंने कपड़े के ऊपर चिपका लिया प्रेस से, ये देखिए।
इस तरह से देखिए कपड़े की चौड़ाई मैंने ली है 4 इंच, और लेंथ में मैंने इसे 19 इंच लिया है क्योंकि नाप लिया था हमने। और ये आपको देखिए इस तरह से चिपकानी है, ऊपर आधा इंच कपड़ा छोड़ना है आपको, ये देखिए आधा इंच ऊपर छोड़ना है कपड़ा आपको, और उसके बाद आपको पेस्टिंग चिपकानी है। और चिपकाने के बाद देखिए आप जब इसे फोल्ड करेंगे तो नीचे आपका आधा इंच कपड़ा बचना चाहिए। अब एक चौक से निशान लगा लेंगे जहाँ तक हमारी पेस्टिंग आ रही है फोल्ड करने के बाद, देखिए इस तरह से देखिए निशान में लगा लिया। अब इसे हम अटैच करेंगे, ये देखिए, तो इसे हम रॉन्ग साइड अटैच करेंगे फ्रंट पार्ट में। तो जो निशान लगाया हमने उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है बिल्कुल, ये देखिए उल्टी तरफ रखकर हम सिलाई लगा लेंगे निशान के ऊपर। देखिए जो हमारा पॉकेट का कपड़ा है वो भी हमारा इसी बेल्ट के अंदर ही आ जाएगा। देखिए सिलाई लगा ली हमने, अब इसे हम करेंगे इस तरह से सीधा, और देखिए जो हमने आधा इंच कपड़ा छोड़ा था ऊपर, इसे हम इस तरह से फोल्ड करके जो सिलाई हमें लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई चला लेंगे। अब बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बेल्ट देखिए लग जाती है। अगर आप एक स्टेप फॉलो करोगे तो बहुत ही अच्छी पैंट बनेगी आपकी। तो देखिए हमारी बेल्ट भी लग चुकी है। अब देखिए जो हमारा बैक पार्ट है उसे हम अटैच करेंगे, तो दोनों साइड हमें अटैच करनी है। तो नीचे से स्टार्ट करेंगे हम, ऊपर से स्टार्ट नहीं करेंगे सिलना, नीचे से स्टार्ट करेंगे हम। ये नीचे से रख कर देखिए हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे इसमें। ये देखिए, और जहाँ हमारी पॉकेट है उसको थोड़ा ध्यान से सिलना है आपको, पॉकेट बंद नहीं होनी चाहिए। देखिए पॉकेट बिल्कुल किनारे किनारे को सिलाई लगानी है, बंद नहीं होनी चाहिए आपकी पॉकेट। ये देखिए इस तरह से आपको सिलाई लगानी है, और पूरा ऊपर तक नहीं सिलेंगे हम, थोड़ा सा ऊपर खुला छोड़ देंगे क्योंकि हमें बैक पार्ट में लास्ट डे के लिए कपड़ा अटैच करना है। इसी तरह से दूसरी साइड से भी हमने देखिए सिल लिया है, और थोड़ा सा ऊपर से खुला छोड़ दिया है हमने क्योंकि इसमें हमें बैक पार्ट में कपड़ा अटैच करना है इलास्टिक के लिए। ये देखिए मैं दिखाती हूँ सीधा करके आपको, तो देखिए पॉकेट हमारी कुछ इस तरह से आ रही है। देखिए अब देखिए जो हमारे पीछे का पार्ट है इसे पूरा हम इन स्टेप से नाप लेंगे जितना भी आता है, और उसके हिसाब से हमें देखिए पट्टी कट करनी है। तो 4.5 इंच की चौड़ाई ली है मैंने इसकी, और लेंथ में मैंने इसके बराबर लिया है जितना हमारा बैक पार्ट है। और अब इसे हम देखिए सीधी साइड से अटैच करेंगे, तो सीधी साइड रखकर हमें सिलाई लगानी है पूरे पे। देखिए सिलाई लगा ली हमने, और एक सिलाई देखिए इसे हम इस तरह से खोल कर एक ऊपर लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने से हमारा बहुत अच्छी तरह से फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए सिलाई भी हमें लगा ली है, अब इसे हम करेंगे फोल्ड। देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद देखिए जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके बिल्कुल बराबर होना चाहिए बेल्ट के, ये तो इस तरह से आपको ये फोल्ड करना है। देखिए आप पिन लगा लें, पहले पिन लगा कर अच्छे सेट कर लें। ये देखिए ये पूरे पे हमें देखिए इस तरह से फोल्ड करके पिन लगा लेंगे इसमें हम। तो बहुत ज़्यादा कपड़ा फोल्ड नहीं करना है आपको। ये देखिए बिल्कुल इसके बराबर होना चाहिए, तो इस तरह से देखिए आपको फोल्ड करना है। ये आपने पूरे में फोल्ड करके पिन लगा लिए, अब इसमें हम लगा लेंगे सिलाई। तो देखिए फ्रेंड्स हमने पूरे पे सिलाई लगा ली है, और उसमें डालेंगे इलास्टिक। तो इलास्टिक आपको जितनी आपकी वेस्ट है उससे करीब 4 से 5 इंच आपको कम लेनी है। तो देखिए मेरे साइज में वेस्ट 36 इंच है, उसका आधा होगा 18 इंच, और मैंने इलास्टिक को लिया है 15.5 इंच, करीब 2.5 इंच मैंने कम लिए इलास्टिक। और अब इसे हम सेफ्टी पिन की हेल्प से डाल लेंगे। ये देखिए इलास्टिक मैंने डाल लिया है, अब दोनों साइड से देखिए हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, और एक सिलाई हम इसको खींच कर लगा लेंगे, इससे इलास्टिक इकट्ठी नहीं होती है। ये देखिए इस तरह से खींच कर पूरे में सिलाई लगानी है।
देखिए सिलाई भी हमने लगा ली है, अब जो हमें देखिए साइडों से खुला छोड़ा था, अब इसे हम देखिए दोनों साइड से सिल लेंगे। दोनों साइडों से हम सिलकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड दोनों साइडों से हमें सिल लिया है, ऊपर से हमारी पैंट बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, देखिए आप देख सकते हैं। और अब हम इसे नीचे से इसका बॉटम फोल्ड करेंगे, तो जो हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था उस पर हमें निशान लगा लिया है। और अब देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, जब इसे फोल्ड करेंगे तो देखिए सेंटर से आपको फोल्ड करना है, जो सिलाई है हमारी वहाँ से आपको फोल्ड करना है, दोनों साइडों से फोल्ड नहीं करना है वरना आपको ऊंचा नीचा हो जाएगा। अगर आप यहाँ से बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल आपको इक्वल आएगा, बिल्कुल ऊंचा नीचा नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से पिन लगा ले आप, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप इनको फॉलो करोगे तो बहुत ही अच्छी आपकी पैंट बनेगी। ये देखिए इस तरह से पूरे पिन लगा कर अब इसमें हम लगा लेंगे सिलाई। देखिए दोनों बॉटम हमने फोल्ड कर लिया है, अब इसके हम करेंगे फिटिंग। तो इसका निशान लगा लेंगे बॉटम का, तो मुझे 7 इंच रखना है तो 7 में निशान लगा लेंगे हम। ये देखिए इसमें लगाएंगे हम सिलाई, तो हम जो 7 में निशान लगाया है वहाँ से हम फिटिंग करते हुए आएंगे और हल्का करते कम करते 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 जब हम आसन तक पहुँचेंगे तो बिल्कुल हम 1/2 इंच पर आ जाएंगे। तो एकदम से हम कम नहीं कर देंगे, हल्का हल्का कम करते हुए हम आसन तक पहुँचते हुए 1/2 इंच पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से आपको फिटिंग की सिलाई लगानी है तभी आपकी अच्छी शेप आएगी। ये देखिए इस तरह से, और पूरा हम एक साथ फिटिंग नहीं करेंगे, पहले हम एक साइड से स्टार्ट करेंगे आसन तक सिलेंगे और फिर हम दूसरी साइड से सिलेंगे, उसके बाद हम आसन तक पहुँचेंगे। तो पूरा एक साथ नहीं सिलना है आपको, अलग अलग सिलेंगे हम। इस तरह सिलेंगे तो थोड़ा बहुत जो ऊंचा नीचा रह जाता है वो आसन की तरफ निकल जाता है, तो नीचे से बिल्कुल हमारे बिल्कुल बराबर आती है पैंट। देखिए इस तरह से आपको सिलाई लगानी है फिटिंग की, तो आपकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी पैंट की अगर इस तरह सिलेंगे आप। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी पैंट कंप्लीट हो चुकी है बिल्कुल। देखिए फ्रेंड्स अब मैं इसमें देखिए बटन लगाऊंगी, तो मैंने इस तरह से ब्लैक कलर के बटन लिए हैं क्योंकि मेरी जो कुर्ती है उसमें ब्लैक कलर का काम है। तो इस तरह से देखिए मैं बटन लगा लूँगी इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने बटन लगा लिए, फाइनल लुक है हमारी पैंट का देखिए। और इसके साथ देखिए ये वाइट कलर की कुर्ती है, देखिए कुर्ती बिल्कुल सिंपल ही है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें बटन लगाया मैंने स्लीव्स में और नेक पर। अगर आप इस कुर्ती की कटिंग देखना चाहते हैं तो कमेंट करना, तो इस कुर्ती कटिंग की वीडियो में शेयर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी।